हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट बायमेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे आपको एक एग्जाम पेपर दिख रहा है एचटैट। एचटैट नियर बाय 2 to 3 नवंबर होने वाले हैं और आप सभी इसमें पार्ट ले रहे होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी क्वेश्चन सेट को हम ट्राई करें। एचटैट की साइट पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, ओल्ड पेपर मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं उसी पेपर की बात कर रही हूँ, इट इज़ ऑफ ईयर 2020। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज, टेली और एचटैट एग्जाम्स की क्वेश्चन किस तरह के होते हैं फॉर दी पेपर ऑफ बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पर आप देखिए, पहले ये जरूर है जो भी कोई टेट एग्जाम हमें देते हैं, हमारे सबसे पहले लिखा होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सही जरूरी नहीं है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट। कभी कभी एक से ज़्यादा आपको ऑप्शन सही लगेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब आप अपना सी टेट या किसी भी स्टेट टेट एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको कोई भी आंसर सही नहीं लगेगा, तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो आपको सही लगाना है। तो इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लैमिनार एयर फ्लो। लैमिनार एयर फ्लो एक बेंच एक है ग्लास एक बेंच वो जो कि माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट और कभी कभी टिश्यू कल्चर पढ़ते हुए हम बॉटनी स्टूडेंट भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर जब हम करते हैं तो जब भी लैब में आपको कुछ भी ग्रो करवाना है तो उसको आप स्टेरलाइज कंडीशन में ग्रो करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए लैमिनार एयर फ्लो यूज़ होता है। अब लैमिनार एयर फ्लो में स्टेरलाइज कंडीशन बनाई कैसे जाती है, इन हैपा एयर फिल्टर से। तो एक मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है और जालियाँ होती हैं, वो आपके फिल्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट फिल्टर होते हैं ये आपके, और ये स्टेरलाइज करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। आगे देखते हैं, द यूवी रेडिएशन आर यूज्ड टू स्टेरलाइज वाइल वर्किंग ऑन दी बेंच। इसमें लिखा हुआ है वाइल वर्किंग ऑन दी बेंच, सो वाइल वर्किंग नहीं है। हम उसको बैठने से पहले जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं लैमिनार एयर फ्लो को, तो 15 मिनट के लिए हम इसे ऑन करते हैं। जैसे ही बैठते हैं यूज़ करने शुरू करते हैं तो यूवी रेडिएशन बंद कर देते हैं, बिकॉज यूवी रेडिएशन कैन कॉज कैंसर। सो इसीलिए वो स्विच ऑफ करना भी ज़रूरी है। वाइल वर्किंग हम यूवी रेडिएशन ऑन नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे है, इट इज़ प्राइमरी यूज टू स्टेरलाइज कल्चर मीडिया एंड ग्लासवेयर। प्राइमरली यूज़ नो, प्राइमरली ये यूज़ नहीं किया जाता। हाँ, कल्चर मीडिया और ग्लासवेयर को उसमें रखा जरूर जाता है, जब आप काम कर रहे हैं तो सारा स्टेट सारा जो मटेरियल है वो साथ में रखेंगे, स्टेरलाइज जरूर कर देता है, लेकिन प्राइमरली इसको यूज़ नहीं किया जाता। ओके, सो प्राइमरली हमें कल्चर मीडिया या ग्लासवेयर को स्टेरलाइज करना है तो हम उसको ऑटोक्लेव में स्टेरलाइज करते हैं। ऑटोक्लेव इज़ ए काइंड ऑफ कुकर, प्रेशर जनरेटेड कुकर है। प्रेशर और टेम्परेचर का बहुत महत्व है। 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए हम उसको रखते हैं। अगला जो है वो स्टेटमेंट इसी के बारे में, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरलाइजेशन इज सेम। क्या प्रिंसिपल ऑफ स्टेरलाइजेशन सेम है? नहीं। यहाँ पर हैपा फिल्टर्स होते हैं, यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन करके, हाई टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करके स्टेरलाइजेशन कर रहा है, तो ये भी गलत है। तो आपका पहला स्टेटमेंट था कि लैमिनार एयर फ्लो में हैपा फिल्टर्स हैं, तो ये स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉस्ड बाय, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉस्ड बाय। शुगर केन नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। अगर हमें साइंटिफिक नेम पता होते हैं तो कभी कभी हम इसे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आंसर क्या है, कोलिकोट्राइकम। ओके, सो ये ट्राइकम जो है यहीं पे नाम कुछ छुपा हुआ है, ट्रिटिकम एस्टिवम। कोलिकोट्राइकम जो है वो रेड रॉट करता है शुगर केन में। शुगर केन के रिलेटेड डिजीज भी इसी जेनरा से होती हैं। बाकी इसमें और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि फाइटोप्थोरा अल्टरनेडिया। फाइटोप्थोरा लेट ब्लाइट करता है और अल्टरनेडिया अर्ली ब्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये डिजीज़ के नाम है और बहुत ही फेमिलियर डिजीज़ भी हैं और बहुत ही फेमस डिजीज़ भी हैं, इनके नाम भी अलग अलग से आ सकते हैं। सो लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट ये करते हैं, अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट इन पटैटो एंड टमाटो। सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट करता है, लीफ स्पॉट डिजीज़ करता है इन ओकरा भिंडी में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट प्लांट हैविंग सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, मोनोकॉट जो होते हैं उनके वास्कुलर बंडल क्लोज्ड होते हैं। ओके, क्लोज्ड का मतलब यहाँ पर होता है दैट दे डू नॉट हैव कैम्बियम, नो कैम्बियम एट ऑल।
अगली आगे ग्रोथ नहीं होने वाली, प्राइमरी ग्रोथ हो गई उसके बाद कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, दे आर क्लोज फॉर दैट कैम्बियम नहीं होता। पर ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा मोनोकॉट जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो, यानी हम बात कर रहे हैं किसी एनामली की, किसी अनयूजुअल बिहेवियर की। सो ऐसी एनामली, ऐसे एनामलस ग्रोथ के ही सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब इसमें से मोनोकॉट कौन है? मोनोकॉट है ड्रेसिना, स्नेक प्लांट इसका नाम है। आपको बहुत घरों में ये और स्कूल के बाहर भी, स्कूल के आसपास भी आपको ये सब देखने के लिए मिल जाता है। स्कूल या कॉलेज के आसपास भी ये प्लांट बहुत लगे रहते हैं। ड्रेसिना आपका क्या है? मोनोकॉट है। और मोनोकॉट होते हुए भी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ है, ये इसमें एनामलस फीचर है। बिग्नोनिया में भी एक एनामलस फीचर है। बाकी अगर एग्जाम्पल में देखें तो इनमें भी एनामलस फीचर्स हैं। जैसे कि बिग्नोनिया में जो कैम्बियम है वो इनिशियली, ये सब क्या है आपके? डाइकॉट है। बाकी के बिग्नोनिया निकेन्थस एंड लैप्टाडिनिया सब क्या है आपके? डाइकॉट है। तो ये जो बिग्नोनिया है इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जब होने लगती है, स्टार्टिंग में कैम्बियम प्रॉपर एक्टिविटी करता है, बाद में ये जाइलम और फ्लोएम जो है इस तरह से काटता है कि ये रिजेस और फ्यूरोस बना देता है। ठीक है, ये रिजेस और फ्यूरोस बना देता है। और ये रिजेस क्या है? इस तरह से है कि इन्हें काटना क्या चाहिए, कैम्बियम को क्या करना चाहिए? कैम्बियम को बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम काटना चाहिए। बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम। लेकिन इसमें कैम्बियल एक्टिविटी इतनी इनएक्यूरेट होती है कि ये रिजेस और फ्यूरोस बना देते हैं। कुछ जगह ज़्यादा जाइलम काट देते हैं, कम फ्लोएम काटते हैं, कुछ जगह ज़्यादा फ्लोएम काट देते हैं, कम जाइलम बनाते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें दिखने को मिलता है। अगला क्या है? निकेन्थस। निकेन्थस के अंदर क्या होता है? इंटरजाइलरी फ्लोएम होता है, यानी जाइलम के बीच में फ्लोएम के बंडल्स देखने को मिलते हैं। कॉर्टिकल फ्लोएम भी होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर भी फ्लोएम मिलते हैं। लैप्टाडिनिया में भी ऐसा ही होता है, इंटरसेलुलरी फ्लोएम और कॉर्टिकल फ्लोएम जो है दिखने लगते हैं। तो इनके अंदर क्या है आपके? ये एनामलस फीचर है। आगे एन एग्जांपल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। होमोस्पोरस, होमो मतलब सेम, और स्पोरस का मतलब क्या होता है? स्पोर। स्पोर कैसे? स्पोर जो आपके जेनेटिक स्पोर्स होते हैं, जर्म स्पोर्स होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है ये। तो अगर सेम, होमो का मतलब हमेशा ही सेम रहेगा, चाहे आप होमोलोगस पढ़ें, चाहे आप कोई सॉल्यूशन के बारे में पढ़ें, सब क्या रहेगा? सेम। होमो का मतलब यही रहेगा, अगर सेम साइज के स्पोर बन रहे हैं तो ऐसा टेरिडोफाइट होमोस्पोरस कहलाता है। अगर नहीं बनते हैं तो सेम नहीं बनते, अलग अलग साइज बनते हैं, एक बड़ा बनता है, एक छोटा बनता है, एक बिग बनता है, एक स्मॉल बनता है स्पोर, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस। तो टेरिडोफाइट में ऐसे अलग अलग बांटा जा सकता है जीनस को। जो बिग वाले होते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्पोर, और मैक्रोस्पोरोफिल के अंदर वो होते हैं, और जो स्मॉल वाले होते हैं उसे माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर डालते हैं। प्लांट्स में इसी को मैक्रो और माइक्रो को, क्योंकि ये तो टेरिडोफाइट है, स्मॉलर प्लांट है, हायर प्लांट में मैक्रो और माइक्रो को हम फीमेल और मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह कैटेगराइज कर देते हैं। तो इसमें होमोस्पोरस कौन है? टेरिडोफाइट में होमोस्पोरस के तीन आपके एग्जाम्पल में बताती हूँ। तीन एग्जाम्पल में आता है आपका साइलोटम, साइलोप्सिडा से साइलोटम, देन इसके अलावा इसमें लाइकोपोडियम इसमें आता है, और लाइकोपोडियम के अलावा हॉर्सटेल, हॉर्सटेल और इक्विसिटम, इक्विसिटम भी नाम है इसका, हॉर्सटेल भी इसका नाम है, इक्विसिटम इसमें एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, तो इन तीनों का क्या है? होमोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस कौन से हैं? तीनों एग्जाम्पल्स लेजिनेला, मार्सिलिया, सेल्वेनिया। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया होमोस्पोरस का एग्जांपल, तो आंसर है लाइकोपोडियम। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर विच कम्प्लीटली सराउंड स्पोरोजिनस टिश्यू। एंथर का बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर जो आपने देखा भी होगा, और आई गेस एनाटमी में जब आपने इसकी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो जो ऐसे चार स्पोरोजिनस, ये बेसिकली हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बायलोब्ड एंथर जो कि टेट्रास्पोरेंजिएट है, उसमें चार स्पोर हैं। तो ये जो आपके अंदर हैं ये स्पोरोजिनस टिश्यू हैं जिनसे जाकर पॉलन ग्रेन बनने वाले हैं। हर एक सेल जो इसके अंदर, इस टिश्यू के अंदर है, वो चार चार पॉलन ग्रेन बनाएगा, और हर पॉलन ग्रेन में दो दो गैमेट होंगे। तो आगे बहुत थ्योरी है, हम सिर्फ आंसर देखते हैं। इसमें बोला कम्प्लीटली सराउंड कौन करता है? कम्प्लीटली सराउंड करते हैं टपेटम। इसके बाहर की लेयर, एक इनर पूरा सर्क्युलर होता है इसके चारों ओर, वो होता है टपेटम। इन सभी को टपेटम सराउंड करता है। ठीक है, टपेटम के बाद में होते हैं मिडल सेल्स या नर्व सेल्स, उसके बाद होते हैं उसके बाद आपके जो नर्व सेल्स के बाद एंडोथीशियम की एक लेयर आती है, कॉर्टिकल सेल्स की आती है, फिर एंडोथीशियम की लेयर आती है। इन सब का काम क्या है? टपेटम जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर है
जो आपको कम्प्लीटली सराउंड करती है स्पोरोजिनस टिश्यूज को, ये पॉलन ग्रेन के वो यूविश बॉडी से सराउंड करती है, ये यूविश बॉडी ऐड करती है। ठीक है, पॉलन ग्रेन को, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को जो स्पोरोजिनस टिश्यू से बनने वाला है उसको नरिश करती है, यूविश बॉडीज ऐड करती है। ये जो यूविश बॉडी है ये क्या देगी पॉलन ग्रेन को, उसकी आउटर कवरिंग, एग्जाइन ऑफ द पॉलन ग्रेन। एग्जाइन किसका बना हुआ है, एग्जाइन बना हुआ है स्पोरोपोलिन, क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन जो है वो एक हार्डेस्ट नोन मटेरियल है जो कि डिहाइजेंस नहीं होता, और पॉलन ग्रेन की आउटर कवरिंग इससे बनी हुई होती है, इसीलिए पॉलन ग्रेन बहुत टाइम तक भी रह सकते हैं एनवायरनमेंट में और एनर्जी भी ये कर सकते हैं। ठीक है, नार सेल क्या है, मिडल सेल, ये नरिशमेंट में मदद करते हैं डेवलपिंग स्पोरोजिनस टिश्यू की। एंड टाइम जो लेयर है वो आंसर तो टपेटम ही है, मैं आगे के बारे में बात कर रही हूँ वैसे। एंड टाइम जो है वो आपकी कवरिंग है, एंटाइन एग्जाइन कवरिंग है पॉलन ग्रेन की, जो कि इस स्पोरोजिनस टिश्यू से आगे जाके बनेगा। एंडोथीशियम डिहाइजेंस में मदद करती है एंथर के, यानी जब ये स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं तो इसको तोड़ के पॉलन ग्रेन बाहर निकलने का काम कौन करता है, एंडोथीशियम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। द एवियन रिलेटिव, एवियन मतलब बर्ड, ओके, जो उड़ सके, एनीथिंग दैट कैन फ्लाई इज एवियन, सो बर्ड्स होते हैं। एवियन रिलेटिव डायनासोर, ठीक है, डायनासोर से ही इवॉल्व हुआ है सब कुछ, हमारा फैमिली ट्री देखा जाए तो कहीं ना कहीं वी ऑल आर लिंक्ड टुगेदर, हम सभी एक बड़े किंगडम के पार्ट थे, उसके बाद हम डिवाइड हुए हैं ड्यूरिंग द इवोल्यूशन। तो बर्ड का, बर्ड डायनासोर का रिलेटिव क्या है, आर्क्योप्टेरिक्स। ओके, आर्क्योप्टेरिक्स एक बर्ड है जो कि डायनासोर जैसा ही फ्लैश ईटिंग है दिखता है। ठीक है, देन क्रोकोडाइल और गैवियालिस दोनों के दोनों रेप्टाइल्स हैं, और ये भी आपका रेप्टाइल ही है, तो ये सारे के सारे अगर हम देखें 96 जो है वो आपका आर्क्योप्टेरिक्स आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 जो है वो आपको एक हेरिडिटरी डिजीज या फिर हम बोले हेरिडिटरी डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि किस तरह से ये क्या है, मोनोजोमी, नलिजोमी, ट्राइजोमी, टेट्राजोमी, क्रोमोजोमल डिस्ट्रीब्यूशन अगर गलत हो जाए तो क्या होगा। बेसिकली जब एक सेल डिवाइड होता है दो और सेल में, क्योंकि ये सेल डिवीजन तो नॉर्मल है, माइटोसिस हो चाहे मियोसिस, एक सेल डिवाइड होता है पर डिवाइड होने से पहले वो अपने डीएनए कंटेंट को रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, ओके, तो 2n का मतलब है 46, तो इस 46 का जब डबलिंग होगा तो ये कितने में बदल जाएगा, 92 में। अब जब वो दो डॉटर सेल में उसको डिवाइड कर रहा है तो उसको इक्वली डिवाइड करना है 46 46। ओके, अब इस 46 जो कि इक्वली डिवाइड हो गया, अगर ये अनइक्वल डिवाइड हो, मान लो एक सेल में 47 चला जाए तो दूसरे सेल में अपने आप ही 45 जाएगा। ठीक है, राइट, 40 इसमें एक ज़्यादा चला गया तो इसमें कम जाएगा, राइट। तो ऐसी डिवीजन जो है वो क्या करती है, एक क्रोमोसोम किसी में ज़्यादा चला जाता है, एक में कम चला जाता है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसा कैसे, ओके, ऐसे केस में हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइजोमी, यानी कोई भी एक क्रोमोसोम जो है तीन बार आ गया है, दो बार आना चाहिए था पर तीन बार आ गया है तो उसे ट्राइजोमी, और इसमें कोई भी एक क्रोमोसोम की केवल एक कॉपी आई है तो उसे हम कहेंगे मोनोसोमी। ठीक है, थोड़ा एलैबोरेट करके अगर मैं समझाऊं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, अगर इस थोड़ा एलैबोरेट करके इसको समझाया जाए, तो ये कैसे आपको एक्सप्लेन हो सकता है, कैसे आप बता सकते हैं ट्राइजोमी किसी एक क्रोमोसोम की। तो देखिए 46 का मतलब है 2n, यानी सारे क्रोमोसोम जो है वो दो कॉपीज में है। ठीक है, चाहे वो आपका सेक्स क्रोमोसोम हो चाहे ऑटोसोमल क्रोमोसोम, सभी क्रोमोसोम दो कॉपीज में है, तो जब ये डिवीजन होगी तो सभी हर सेल में सभी क्रोमोसोम की दो कॉपीज पहुंचनी चाहिए। लेकिन अगर ये अनइक्वल डिवीजन रह जाए, मान लीजिए एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ चिपक के चला जाए, तो दो की जगह एक में तीन जा सकते हैं। तो अगर एक ही क्रोमोसोम पे इस तरह से पाया जा रहा है तो उसको हम ट्राइजोमी, मोनोजोमी, नलिजोमी, टेट्राजोमी में क्लासिफाई कर सकते हैं। और इस तरह की एक ही क्रोमोसोम में अगर खराबी आ रही है तो इस तरह की म्यूटेशन को हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की कोई गलती हुई है तो इसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक ही दोनों के दोनों जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो एक ही या सेट ऑफ डीएनए कंटेंट है वो पूरा एक सेल में चला जाए और दूसरे सेल के पास कुछ ना बचे, तो इस तरह के हम पॉलीप्लॉइडी, इस तरह के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। ठीक है, यानी पूरा का पूरा किसी एक में चला गया। ऐसा होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, एन्यूप्लॉइडी एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती है। चलिए मोनोजोमी देखते हैं कि इसमें क्या है।
टू इन का मतलब है 46, तो उस 46 से एक्स्ट्रा कितने आए, ठीक है। सो 46 से अगर एक्स्ट्रा एक आया है, यानी किसी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम की दो की जगह तीसरी कॉपी आ गई, तो उसे हम ट्राई बोलेंगे। ट्राई बोलेंगे तो 2n+1, ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर हो गया 47। तो ये आपका इसका आंसर है। फिर उसके बाद है मोनोजोमी, यानी किसी एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी आई है, दोनों नहीं आई है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2n-1, ठीक है, यानी 45, ठीक है, 46-1। फिर नलीजोमी, यानी एक क्रोमोसोम की कोई कॉपी नहीं आई, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम खाली पड़ा है, उसको क्रोमोसोम की कोई कॉपी ही नहीं आई, तो 2n-2, ठीक है, सो 44। देन टेट्राजोमी, यानी एक क्रोमोसोम की चार कॉपीज एक ही क्रोमोसोम में पहुंच गई, 2n+2। अब आप सोचिए, जिसमें चार कॉपीज पहुंच गई उसके दूसरे सेल में क्या हुआ होगा, नलीजोमी हुआ होगा। जिसमें तीन कॉपीज पहुंच गए उसके दूसरे सेल में क्या हुआ होगा, मोनोजोमी हुआ होगा। ऐसा हम रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में पढ़ते भी हैं। ये डिजीज भी हैं, जैसे कि ट्राइजोमी डिजीज जो है वो आपकी क्लेनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइजोमी है, डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी है, मोनोजोमी जो है आपका टर्नर सिंड्रोम मोनोजोमी है। सो ये डिजीज भी कर देती है ह्यूमन में, कभी कभी ये कंडीशन अनआइडेंटिफाइड रह जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा अगर हम देखें ऑप्शंस में से, एक आंसर 3 है, तो 3 कौन से ऑप्शन में, 4th में, तो ये आपका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस फ्लेवस, स्पीशीज में ही नाम आ जाता है फ्लाटॉक्सिन या एफ्लेवस। एफ्लाटॉक्सिन इज एस्परजिलस फ्लेवस। ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स और ज़्यादातर अगर हम बात करें टॉक्सिन जो है वो इसी स्पीशीज के जरिए आते हैं, कुछ स्पीशीज के जरिए भी आते हैं, दोनों के दोनों फंगस हैं, दिस इज एल्गी, इनसे नहीं आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ऑल स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं। इंसुलिन जो है वो आपका एक हार्मोन है, ट्रिप्सिन जो कि आपका एक एंजाइम है, ये कह रहे हैं दोनों के दोनों प्रोटीन है, बिल्कुल, एक हार्मोन और एक प्रोटीन जो है वो एंजाइम होता है, तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आगे एब्रिन एंड रिसिन आर टॉक्सिन, ये प्लांट टॉक्सिन है, रिसिन इस कम्युनिस से निकाले जाते हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद मॉर्फिन एंड सेलुलोज आर एल्कलॉइड, मॉर्फिन इज एन एल्कलॉइड, कोडीन इज एल्कलॉइड, अनदर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मॉर्फिन कोडीन, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये एल्कलॉइड होते हैं, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, ये नहीं होता, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा। अगला है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, इसके बारे में भी देखें तो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, विंकारोजिया सदाबहार फूल से निकाले जाते हैं और ये कैंसर जो है ट्रीटमेंट में मदद होती है करते हैं, विंकारोजिया प्लांट से निकल जाते हैं, क्राइजेंथम इसका नाम है और ये कैंसर को ट्रीट करने के काम आते हैं। अगला 100th नंबर, इन हनी बीज अ फेरोमोन वन आइकीटोडेकनोइक एसिड इज सीक्रेटेड बाय, फेरोमोन नाम अगर देखें तो इसके पीछे मोन लगा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हार्मोन होता है, नाम काम वही है, लगभग सिग्नलिंग का ही काम है, केमिकल सिग्नल ही है ये एक तरह का। सो जो एनिमल्स होते हैं वो बात नहीं कर पाते तो सिग्नलिंग के लिए ये काम करते हैं, नॉट ओनली एनिमल, फेरोमोन एक तरह का ऐसा केमिकल सिग्नल है जो कि ह्यूमन बीइंग और बड़े बड़े हायर ऑर्गेनिज्म भी यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा सिग्नल है जो कि एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, विंड के जरिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जाता है और उस ऑर्गेनिज्म में कुछ बिहेवियरल चेंजेस करता है। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन टू इन्वॉल्व दिस ऑर्गेनिज्म इन मेटिंग, तो अट्रैक्ट करने के लिए जो है बर्ड्स में एनिमल्स में ये मदद करता है। अब अगर हम बात करें और ह्यूमन बीइंग में भी ये अट्रैक्ट करने के लिए हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अब इसमें बात करें ये पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं ये फेरोमोन जो है कीटाडेकनोइक एसिड, कीटोडेकनोइक एसिड हनी बीज में कौन प्रोड्यूस करता है, हनी बी में ये क्वीन भी प्रोड्यूस करती है, मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो है वो उसके प्रोड्यूस करते हैं, नॉट इंटेस्टाइनल, इट इज़ मैंडिबुलर ग्लैंड्स ऑफ क्वीन बी। सो क्वीन बी इससे क्या मदद लेती है, क्वीन बी फेरोमोन जो प्रोड्यूस करती है उससे वर्कर बी की ओवरीज को डेवलप नहीं होने देती, सो वो स्टेराइल रह जाती हैं। क्वीन बी जो दूसरी नई क्वीन बी जो बन रही होती हैं, रॉयल जेली लेकर नई क्वीन बी बन रही होती है, उसकी उनकी कल्चर को रोक देती है, उनके रेयरिंग को पालन को रोक देती हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो भी आपकी मेच्योर क्वीन बी है उसके मैंडिबुलर ग्लैंड जो प्रोड्यूस करते हैं, ओनली दैट दैट क्वीन बी कैन ट्रांसफर दिस फेरोमोन टू मेल बी एंड टू अट्रैक्ट देम फॉर द मीटिंग। ओके, सो दिस इज हाउ द कॉलोनाइजेशन टेक्स प्लेस इन बीज।
क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोजोअन कोरल? सो इट इज स्टाइलेस्टर इज एन हाइड्रोजोअन कोरल. ओके, ये भी आपके कॉरल के एग्जाम्पल हैं दोनों के दोनों, लेकिन ये हाइड्रोजोअन है, बाकी स्टोन पे भी पाए जाते हैं. ठीक है, सो इसका आंसर है स्टाइलेस्टर. अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम राइजोम? राइजोम एक वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स भी है, वेजिटेटिव प्रोपेगुल भी है. तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? टर्मरिक एंड जिंजर. टर्मरिक और जिंजर जो है वो एक राइजोम फॉर्म के होते हैं. ठीक है, सो इसमें से ऑप्टेन होते हैं. क्लोव एक तरह की लीफ है, और सैफरन हल्दी. ठीक है, तो क्लोव एक तरह की लीफ है तो एग्जाम्पल में हट जाता है. उसके बाद ये भी क्लोव का फिर एग्जाम्पल इसमें आ गया. ठीक है, तो टर्मरिक और जिंजर का एग्जाम्पल इसमें सही रहेगा. आगे चलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्राइप. क्वेश्चन नंबर 103, कैस्पेरियन स्ट्राइप आर प्रेजेंट इन? कैस्पेरियन स्ट्राइप आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस. सो एंडोडर्मिस जो लेयर होती है, देखिए प्लांट के बाहर एक एपिडर्मल लेयर होती है, फिर एपिडर्मल के बाद एक कॉर्टिकल सेल लेयर होती है, फिर कॉर्टिकल सेल लेयर के बाद ये प्लांट रूट का स्ट्रक्चर है. ठीक है, प्लांट रूट का स्ट्रक्चर है. तो उसके बाद उसमें एक एंडोडर्मल लेयर होती है, अंदर पेरिसाइकल होती है, पेरिसाइकल के अंदर पिथ होता है, और पिथ के जस्ट बाहर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके वास्कुलर बंडल भी होते हैं. ठीक है, तो जो ये आपका ये एंडोडर्मल लेयर है, इसमें एक सुब्रिन थिकनिंग होती है, बीच में इस तरह से एक सुब्रिन थिकनिंग होती है. इस सुब्रिन थिकनिंग की वजह से जब पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो पानी दो तरह से ट्रांसपोर्ट करता है. एक तो सेल साइटोप्लाज्म में होके जाता है, इसको हम एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं, और एक बिना साइटोप्लाज्म में पास हुए केवल सेल वॉल प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल प्लाज्मोडेस्माटा से होकर चला जाता है, सिम्प्लास्ट पाथवे उसको कहते हैं. तो ये दोनों पाथवे के जरिए जो है वो जाइलम के अंदर जाता है, रूट हेयर से जाइलम के अंदर इस तरह से जाता है. लेकिन जब कैस्पेरियन स्ट्राइप बीच में आ जाते हैं, केवल एंडोडर्मिस में पानी केवल एक पाथवे से जाता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे यूज़ नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म में एंडोडर्मिस सेल के कैस्पेरियन स्ट्राइप है, और वहाँ से पानी का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है. ठीक है, तो एंडोडर्मिस इसका एग्जाम्पल यहाँ रहेगा, जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्राइप होती है सुब्रिन थिकनिंग की. क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल प्लांट? फॉसिल कौन सा है इसमें? राइनिया फॉसिल है. ठीक है, राइनिया आपका एक फॉसिल प्लांट है. आगे देखते हैं, डोलीपोर सेप्टा आर फाउंड इन. डोलीपोर सेप्टा जो है वो पाया जाता है बेसिडियोमाइसीट्स में. जब हम वीट रस्ट पढ़ते हैं ना, वीट रस्ट पढ़ते हैं, एशियोस्पोर, यूरिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये सब पढ़ते हैं, तो उसमें डोलीपोर सेप्टा का एग्जांपल बहुत आसानी से दिखता है. ठीक है, तो ये बेसिडियोमाइसीट के मेंबर होते हैं, और सारे बेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर में डोलीपोर सेप्टा दिखता है. क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एलीलिक जीन इंट्रैक्शन? देखिए नॉन एलीलिक जीन इंट्रैक्शन मतलब वो इंट्रैक्शन जो एलील के बीच में नहीं है, या फिर कहें एक ही जीन की एलील के बीच में नहीं है. ठीक है, तो इट इज़ एपिस्टेसिस. एपिस्टेसिस में बाकी सब में क्या होगा कि जो इंट्रैक्शन है वो दो एलील के बीच में ज़रूर हो रहा है, लेकिन वो एक ही जीन का पार्ट है. ठीक है, सो वन एलील ऑफ अ जीन इज इंट्रैक्टिंग विद अनदर एलील ऑफ द जीन. लेकिन एपिस्टेसिस में क्या होता है? एपिस्टेसिस में एक जीन जो है वो दूसरे जीन के साथ इंट्रैक्शन कर रही है, जहाँ पर जीन एलील ऑफ वन जीन इज इनहिबिटिंग द फैक्टर ऑफ एलील ऑफ अनदर जीन. ठीक है, फंक्शन ऑफ एलील ऑफ अनदर जीन. सो ये आपका नॉन एलीलिक हो गया, यानी ये भाई बहन नहीं, ये भाई भाई नहीं रहे ना, ये एक ही फैमिली का है ये जो जीन है, ये जो है वो दूसरी जीन का पार्ट हो गया. तो एलील ऑफ वन जीन इज इनहिबिटिंग द फंक्शन ऑफ नॉन एलीलिक जीन और एलील ऑफ अनदर जीन. सो दिस इज एपिस्टेसिस. अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंजियोस्पर्म? देखिए ये आपको याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते. सी, हैप्लो पैप्रस ग्रेसिडस हैव 4, एरिडोप्सिस थैलियाना हैव 5, गैनोडर्मा ल्यूसिडम एक फंगस है, एंजियोस्पर्म नहीं है, तो इसके है 13, एंड कॉप्टिस टीटा इसके हैं 18. सो इस तरह से अगर हम देखें तो 4, यानी इसके सबसे कम क्रोमोसोम है हैप्लोपैप्रस क्रेसिडस के. क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? ओके,
सो इट इज डॉली शिप, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, क्योंकि वो सेल से नहीं बनी जिसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था, ठीक है। तो बाकी सब है, ग्लोफिश में फ्लोरोसेंस प्रोटीन ऐड किया गया, नॉर्मल फिशेस में जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए। गोल्डन राइस के अंदर कुछ जीन्स फ्रॉम बैक्टीरिया ऐड की गई, कुछ फ्लावर से जो है हेलियंथस फ्लावर से ऐड की गई, सो दैट रेटिनॉल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एंजाइम। एंजाइम से पहले प्रॉपर रेटिनॉल विटामिन ए नहीं बन रहा था। फ्लेवर सेवर में आरएनए सॉरी एंटीसेंस आरएनए जो है उसकी पेयरिंग करवाई गई फ्लेवर सेवर में। ये टमाटो के लिए यूज़ होता है, ठीक है, टमाटो की जो थिक स्किन है उसके लिए यूज़ होता है, ताकि बनाई जा सके और उनकी राइपनिंग जल्दी सी ना हो। डॉली शिप की अगर हम बात करें, तो डॉली शिप एक सोमैटिक सेल जीन ट्रांसफर से बनी है, ठीक है, सोमैटिक सेल जीन ट्रांसफर से डॉली शिप बनी है। सो ये आपका जो मेथड है 108, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉक्सिक टू माइटोटिक स्पिंडल, यानी कौन सा है जो माइटोटिक स्पिंडल को रोक देता है, बनने नहीं देता। अगर माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनेगा तो सेल जो है वो डिवाइड नहीं होंगे, राइट। माइटोटिक स्पिंडल ही रुक गया तो सेल डिवाइड कैसे होंगे, किस तरह से वो मेटाफेज में जाएंगे। सो दैट इज कॉल्चिसन, कॉल्चिसन होता है उसके लिए, कैंसरियस सेल को भी इनहिबिट करता है कॉल्चिसन जो स्टेन है। तो ये माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनने देता, कैंसेरियस सेल की मेटास्टेसिस ही नहीं होने देता, उसको फैलने नहीं देता, नई नई सेल जो डिवाइड हो रहे हैं वो उनको नहीं होने देता। बाकी सारे स्टेन अगर हम बात करें, सारे ही सारे न्यूक्लियर स्टेन्स हैं। जिमसा स्टेन जी बैंडिंग में हम देखते हैं, ये भी क्रोमोसोमल स्टेन है। एसिटोकामाइन जो है वो आप माइटोटिक स्टडी करने के लिए जो अनियन में अनियन बल्ब में करते हैं उसके लिए होता है, एसिटोकामाइन जो कि क्रोमोसोमल की पैकेजिंग को दिखाता है, ठीक है। बेसिक फॉस्चिन स्टेन जो है वो भी आपके डीएनए से बाइंड करके उसकी स्टडी में मदद करता है। तो ये आपका कॉल्चिसिन इसके लिए फिर भी रहेगा कि ये टॉक्सिक है माइटोटिक स्पिंडल के लिए, ये बाद में माइटोटिक स्पिंडल को रोक देता है, साथ ही साथ माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनता तो सेल डिवीजन भी रुक जाती है। नेक्स्ट और आई कैन से लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट नहीं है? सो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं है मैग्नीज, बाकी सारे के सारे पार्ट जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में दिखते हैं। मैग्नीज नहीं होता, नाइट्रोजन होता है, मैग्नीशियम आयन होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, तो ये नहीं। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगली वीडियो में अगले 20 क्वेश्चन हम करेंगे। थैंक यू।